यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, आज हम इस छोटे से चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पोजिशन जिसमें जो प्रोड्यूसर है या कस्टमर है, जिसमें कोई भी वो चेंज नहीं चाहता है। अभी हमने जो है पहले वाले चैप्टर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीखा था, ठीक है, जो आपकी क्लास प्लस वन की माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, जहां पे जो कस्टमर है वो उस लेवल में चेंज नहीं चाहता, वो उस लेवल पे क्या फील करता है, सेटिस्फेक्शन फील करता है। अब जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सीखा था उसमें क्या था कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो माल को प्रोड्यूस करता है, उसको वहां पे उस लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से जो है इस चीज का इक्विलिब्रियम बताना है। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बताएंगे? अब जो है हमने मार्केट इक्विलिब्रियम सीखा था कि जहां पे क्या था, डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल है, यानी कि जो एक पर्सन की डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल, यानी कि जितना कंज्यूमर गुड्स चाहता है उतने ही प्रोड्यूसर ने सप्लाई कर रखी है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने सीखा था। ठीक है, तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, अब हम डिमांड की जगह हम स्टडी क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई की जगह क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें वही बात आ गई कि हाँ भाई, अब एग्रीगेट सप्लाई जो है जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होते हैं, यानी कि अभी इक्विलिब्रियम लेवल एक ऐसा आउटपुट है कि जिसके अंदर जो है जितना जो कंज्यूमर है, जितने भी यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर है, जितनी वो डिमांड कर रहे हैं गुड्स की, उतने ही जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है उतने ही गुड्स की सप्लाई भी कर रही है। ठीक है, यानी कि इस लेवल में कोई चेंज नहीं चाहता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी विद एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हमें पता है, अब एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम के नाम से भी डिनोट करते हैं। अब इनकम जो वाई है, वाई को हम इनकम से डिनोट करते हैं, तो ये इसके इक्वल कैसे हुई? क्योंकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो एक पर्सन की इनकम है, ठीक है, अब एक पर्सन की इनकम और दूसरे के लिए तो खर्चा हुआ ना। जैसे हमने हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर में सीखा था कि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी जो सर्विसेज दी उसके बदले में उसको क्या मिली, फैक्टर पेमेंट मिल गई। ठीक है, अब उसी तरीके से उसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खर्चा किया होगा गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। ठीक है, तो अब वो वापिस से जो है उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ गई, लेकिन उसने तो कहीं ना कहीं खर्चा किया। तो वही बात आती है इसके अंदर कि एक का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम। ठीक है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वाई के इक्वल है। अब जो है एग्रीगेट सप्लाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब वाई जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस एस, यानी कि अब जो इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट तो वो क्या करते हैं, जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब जो है ए एस की जगह हम वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि जो ए एस है वो वाई, वाई का मतलब क्या है, इनकम। ठीक है, वाई का मतलब यहाँ पे है इनकम। अब जो ए डी है वो हमने सेव रखा है यहाँ पे। अब जो वाई की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सी प्लस एस। यहाँ पे हमने सी प्लस एस रख दिया क्योंकि वाई को हम सी प्लस एस लिख सकते हैं। अब एडी को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई। अब एडी इक्वल टू सी प्लस आई क्या है, एग्रीगेट डिमांड में या तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, आई का मतलब जो है या तो कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर जो जिन चीजों को खर्च करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, जो डेली बेसिस की जो कैपिटल गुड्स है उसके ऊपर खर्चा करते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा किया जाता है, जैसे मशीन वगैरह पे खर्चा कर दिया जिसके बेसिस पे आगे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो एग्रीगेट जो डिमांड है वो सी प्लस आई जो है इन दोनों का टोटल होता है। तो y की जगह हमने c प्लस एस लिख लिया और ad की जगह हमने c प्लस आई लिख लिया। अब c से c कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल टू i रह जाएगा, यानी कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है कि जो सेविंग है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इनकम। अब इसमें ना दो अप्रोचेस आती हैं। अभी केन्जियन ने भी थ्योरी दी है, केन्स की थ्योरी है। तो अब इसने क्या दिया है, ए एस इक्वल टू ए डी अप्रोच, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, एग्रीगेट डिमांड के, और एस आई अप्रोच सेविंग इक्वल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अभी हम इसको आगे जो है एक टेबल की फॉर्म से, डायग्राम की फॉर्म से भी देखेंगे। तो ए एस इक्वल टू ए डी और एस इक्वल टू आई, और केन्स ने क्या बोला है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन हमारे उसमें इकोनॉमी में रहेगी। अब आगे क्या है, अब इसमें जो है पहले तो ये देखिए, यहां पर ए एस
इक्वल टू एटी अप्रोच। इसमें क्या बताया गया, इस अप्रोच में इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, इसमें कब अचीव किया जाता है, जब एग्रीगेट जो सप्लाई है वो किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट डिमांड के। ये तो सिंपल सी बात है। अब आगे क्या है, वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अब इसमें बताया है कि इसने परफेक्ट वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी है। अब वेज रेट जो है अगर वो कम या ज्यादा होती है, वेज रेट क्या है जो कम या ज्यादा होती है, तो लेबर मार्केट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो कि जिस हिसाब से वेज रेट का मतलब क्या है कि जो लेबर जो है अपनी सर्विसेज देता है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मजदूरी मिलती है, तो अब वो देखेंगे कि हाँ भाई उनको कितनी मजदूरी मिल रही है। अब लेबर मार्केट में अब वो डिमांड कितनी है लेबर की और सप्लाई कितनी है उसके बेसिस पे देखा जाएगा। अब देखो कि हाँ भाई लेबर की डिमांड कितनी है मार्केट में। कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अभी सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई है लेबर की वो तो क्या है ज्यादा, लेकिन डिमांड क्या है लेबर की वो क्या है कम। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेज रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वेज रेट मान लो कम हो जाती है, अगर वेज रेट कम होगी तो मजदूरी करना भी लोग पसंद नहीं करते, जो सप्लाई है लेबर्स की वो भी कम हो जाएगी। और जब सप्लाई कम हो जाती है लेबर्स की, अब जब मार्केट में मजदूर मिलेंगे ही नहीं तो हमें ज्यादा वेज रेट भी देना पड़ेगा उनको, तो वेजेस क्या बढ़ाने पड़ेंगे ज्यादा। तो इसलिए जो है जो उसकी वेजेस है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जहां पे डिमांड और जो सप्लाई है दोनों की बराबर है, और ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इनको कहां तक मजदूरी जो है दे सकते हैं। आगे क्या है इसमें, मनी वेज कि हाँ भी मनी की फॉर्म में हम उनको कितना पैसा दे रहे हैं मजदूरों को, और रियल वेज का मतलब क्या है, हम उनको कितने पैसे दे रहे हैं और उसके बदले वो कितनी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं, ये उनकी रियल वेज रेट होती है। ये तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का जो पार्ट है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो है AS और AD अप्रोच और S इक्वल टू I अप्रोच जो है वो अभी हम इसमें डायग्राम के साथ और इसके टेबल के साथ डिस्कस करेंगे। अब AS इक्वल टू AD अप्रोच का मतलब क्या है कि जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। अब हमारे पास जो Y है वो हमने क्या लिया है, इनकम ली है। तो सबसे पहले हम AS और AD अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो AD किस तरीके से बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से बनती है। तो अब यहाँ पे जो है हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेना है। अब इनकम जो है वो साइमल्टेनियसली हमारी जो है लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 तक हमने ले ली इनकम। आगे क्या है, कंजम्पशन। अब इनकम में से अब वो कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। अब यहाँ पे तो इनकम 0 और यहाँ पे कंजम्पशन 30 है। अब यानी कि हमें कहीं ना कहीं से तो खर्चा करना पड़ेगा ना। अब चाहे लोगों के पास इनकम हो भी ना तो भी उन्हें खर्चा करना पड़ता है। अब वो खर्चा कहाँ से करेंगे, या तो वो कहीं से उधार लेंगे या फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो उन्होंने पास सेविंग करी होती है वो उस सेविंग का यूज करते हैं। जैसे कोरोना टाइम पीरियड में लोगों ने अपनी पिछली सेविंग्स का यूज किया या फिर अपने रिलेटिव वगैरह से हेल्प ली उन्होंने। तो इस तरीके से जो सी है कंजम्पशन तो फिर भी होगा अगर इनकम 0 होगी। अब अगर इनकम 20 है तो ये फिर भी 40 है यहाँ पे। अब 40 है तो यहाँ पे ये 50 है। तो यानी कि एक टाइम पीरियड तक अब इनकम जो है इनकम कम है लेकिन हमारा खर्चा क्या है ज्यादा है, ठीक है। अब आगे एक टाइम पीरियड पे इनकम और जो हमारा खर्चा है वो दोनों ही इक्वल है। फिर आगे जो है हमारी इनकम तो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन हमने खर्चा करना क्या कर दिया, कम कर दिया। अब 80 इनकम पे हमने खर्चा कितना किया, 70। अब आगे 100 पे खर्चा कितना किया है हमने, 80। 120 पे, 90। 140 पे, 100। आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट हमने हर टाइम पीरियड पे क्या लिया है, बिल्कुल सेम लिया ताकि जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। अब यहाँ पे 10-10 हमने इन्वेस्टमेंट ली है। अब 80 को हम किस तरीके से निकाल देंगे, सी प्लस आई करके, ठीक है। सी प्लस आई 30 प्लस 10 40 40 प्लस 10 50 50 प्लस 10 60 60 प्लस 10 70। तो इस तरीके से हमें निकाल लेना है। अब हमें देखना है AD इक्वल टू AS कहाँ पे है। अब AD इक्वल टू, अब इसमें तो इस डायग्राम में तो AS तो कहीं है भी नहीं है, तो हम AS कहाँ से निकालेंगे। अभी हमने पिछले उसमें बात की थी ना कि जो Y है, Y को ही हम क्या कहते हैं, AS। तो AS और AD देखो किस पॉइंट पे इक्वल है, ये इस पॉइंट पे इक्वल है 80 वाले पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हमने वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट या फिर इनकम ले ली और वाई एक्सिस पे हमने AD और AS ले लिया, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारा हर लेवल पे सेम है, तो इसलिए तो ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ले लिया। अब देखो जो कंजम्पशन है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने जीवन जीने के लिए खर्चा तो करना पड़ता है, तो इसलिए हमने ये ऊपर से लिया है। अब जो है
हमारी जो इनकम है, इनकम जो है वो हमने 45 डिग्री के एंगल पे बनानी है। अब 45 डिग्री के एंगल पे हमने इनकम बना दी, AS इक्वल टू Y होता है क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। और इनकम जो है वो हमारी बिल्कुल समान रेट से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली। अब जो AS जो AD जो हम निकालते हैं वो किसका टोटल होता है, C प्लस I का। तो यानी कि इन दोनों से ऊपर जो है बिल्कुल इसके सामने ऊपर पैरेलल इसके बना देंगे हम AD, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा जहाँ पे AD इक्वल टू AS है। अब AD इक्वल टू AS कहाँ पे है, इस पॉइंट पे मैच करिए तो ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब ये तो है, हमने यहाँ पे AD कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट सारा कुछ दिखा दिया। अगर हमने सिर्फ AD और AS दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे OX एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया, Y एक्सिस पे AD और AS ले ली। अब जो इनकम है वो बिल्कुल हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइन बनानी है, यहाँ पे हमने क्या बना दी, इनकम। इनकम का मतलब AS जो है वो हमने बना दिया यहाँ पे, और AD बनाना है। अब जो AD है वो क्या होगा, अब AD हमारा कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि हमें खर्चा तो करना ही पड़ता है, तो ये हमारा ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमने AD बना दी और यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ये AS इक्वल टू AD अप्रोच तो ये हमारी यहीं पे कंप्लीट है। आगे क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इनकम जो है वो हमारी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमने ये ले दी। अब आगे क्या है, जो कंजम्पशन है वो कितना है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब जो है सेविंग, अब इनकम में से या तो हम कुछ पार्ट खर्च करेंगे या फिर हम कुछ ना कुछ पार्ट क्या करेंगे, सेव करेंगे। अगर इनकम जीरो है फिर भी हमारा खर्चा देख लो कितना है, 10, तो हमारा क्या कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, बल्कि हमने पास्ट सेविंग को यूज किया है तो इसलिए आ गया -10 यहाँ पे। अब हमारे इनकम तो 10 है लेकिन हमारा खर्चा कितना है, 15 है। अभी भी हम अपनी पास्ट सेविंग को यूज कर रहे हैं, कुछ डाल तो नहीं रहे, निकाल ही रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5। यानी कि इनकम में से हमने क्या माइनस करना है, कंजम्पशन अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। अब देखो 20 ही इनकम थी, 20 ही खर्चा कर दिया तो हमारी सेविंग तो कुछ भी नहीं हुई। अब आगे क्या है, 30 जो है इनकम है और 25 हमारा कंजम्पशन है, तो 5 रुपए हमने बचा लिए। अब आगे क्या है, 40 हमारी इनकम है और कंजम्पशन कितना किया है हमने, 25। अब देखो आगे हमारा इनकम, आगे हमारी इनकम कितनी है, 40, और 40 पे हम खर्चा कितना कर रहे हैं, 30। अब 30 जो है खर्चा कर दिए तो बचे कितने हैं हमारे, 10। तो इस तरीके से आगे हम इसमें Y में से C माइनस करके निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट हमने हर लेवल पे सेम लिया है 10-10 का। अब यहाँ पे हमने देखना है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे, और इसपे इनकम का जो लेवल है वो कितना है, 40 है, ठीक है। अब आगे जो है यहाँ पे हम ये ग्राफ बनाएंगे। अब आगे क्या है, इसमें ओ वाई एक्सिस पे हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट ले लिया और ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम और आउटपुट ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जो है हमने स्ट्रेट लाइन बनाना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या है, सेम है। और ये जो सेविंग की लाइन है वो यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है। नीचे से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि पहले सेविंग नेगेटिव थी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर एक पॉइंट पे जीरो हुई, फिर उसके बाद ये आगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पे बराबर होगी, फिर हमारी सेविंग जो है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये मिल रही है, अब जहाँ पे एक दूसरे से मिल रही है तो इसको क्या कहेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ ही जहाँ पे मिली है, जहाँ पे हमारी जो सेविंग है वो जीरो है। आगे क्या है कि जहाँ पे ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे बराबर है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे हमारा ये जो है लेवल है इनकम का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम जो बना लेना है टेबल की हेल्प से। तो यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट है। तो फटाफट से पहले आप इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब छोटी सी कंडीशन है, अब इस कंडीशन में क्या बताया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, कि जब एग्रीगेट जो सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाए। यानी सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें कि अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई तो क्या हो रही है, गुड्स की ज्यादा हो रही है, लेकिन लोगों ने अपनी डिमांड तो करी ही नहीं है, तो इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड देयर डिमांड। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, कि जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, डिमांड से ज्यादा। तो अब क्या होगा कि जब सप्लाई ज्यादा हो रही है तो इतना सामान बिकेगा तो है नहीं, तो कुछ तो सामान जो बिना बिका रह जाएगा, तो सम गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। प्रोड्यूसर विल प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, तो अब आगे प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मुझे आगे से प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कम नहीं हो जाती, जब तक मुझे इस प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या होगा कि अगर वो प्रोडक्शन करना कम कर देगा तो जो AS है वो एक टाइम पीरियड के बाद कम होके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, किसके, AD के, ठीक है। जितनी लोगों की डिमांड है उतनी ही मार्केट में क्या होगी, सप्लाई होगी। तो
यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये जो है एक बेस्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई क्या है कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड तो लोगों ने ज्यादा कर रखी है लेकिन उतनी सप्लाई है नहीं, तो लोगों की जो डिमांड है वो अभी अनफुलफिल्ड है। ठीक है, अभी लोगों की डिमांड जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो आगे प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन वो कब तक बढ़ाएगा कि जब तक वो जो एएस है वो प्रोडक्शन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि वो एग्रीगेट डिमांड की इक्वल ना हो जाए। तो ये एक बेस्ट सिचुएशन होती है। तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये है हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर जो है हमारी सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, मोर सेविंग्स वी मेड लेस एक्सपेंडिचर। अगर हम ज्यादा सेविंग्स करते हैं तो हम जो है इन्वेस्टमेंट जो खर्चा जो है वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अगर हम खर्चा कम करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो लोगों की क्या हो जाएगी, यानी कि लोग डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, अगर लोगों ने डिमांड कम करनी स्टार्ट कर दी तो प्रोड्यूसर का तो जो स्टॉक है वो तो अनसोल्ड रह जाएगा, यानी कि बिना बिका रह जाएगा। अगर उन्होंने उनका जो स्टॉक है बिना बिके रह गया तो वो आगे प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा कि प्रोडक्शन कम कर दूं भाई मैं। आगे क्या है, अगर उसने प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट किया तो लेस आउटपुट जनरेट होगा, तो अगर कम आउटपुट जनरेट होगा तो लोगों को काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा ही आउटपुट जनरेट कराना है, तो थोड़े लोग मिलकर जो है आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। अगर लेस आउटपुट जनरेट होगा तो लोगों को कम इनकम मिलेगी, और अगर लोगों को कम इनकम मिलती है तो लोग जो है कम सेविंग करेंगे, और जो सेविंग है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आगे क्या है कि अगर जो है सेविंग से इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा हो जाए, ठीक है, अब इसमें क्या है कि लीस्ट सेविंग मींस, लीस्ट का मतलब है कम, कम सेविंग का मतलब क्या है, ज्यादा एक्सपेंडिचर करना। अब इनकम जो है या तो लोग जो है उसका पार्ट कंजम्पशन करते हैं या उसका कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं। अगर मान लो कंजम्पशन लोगों ने ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया और सेविंग कम करनी स्टार्ट करी तो क्या होगा, अब कंजम्पशन अगर लोग ज्यादा करते हैं तो लोग मिलकर ज्यादा डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से एएस वुड बी लेस देन एग्रीगेट डिमांड, तो जो एएस है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है और एग्रीगेट डिमांड क्या है ज्यादा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो क्या डिसाइड करेगा कि मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा आउटपुट जनरेट करेगा, लोगों को काम पे लगाएगा, लोगों को ज्यादा इनकम मिलेगी, ज्यादा इनकम से लोग क्या करेंगे, ज्यादा सेविंग करेंगे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, उसका नेम क्या है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल एट। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे पॉसिबल है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, अब जो वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम और एम्प्लॉयमेंट ले लिया। ठीक है, अब जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि जो है हमें खर्चा तो करना पड़ता ही है। ठीक है, अब जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है, यहाँ से हमने ये ऐसे पहले बिल्कुल सीधा, ठीक है, और फिर ये ऊपर की तरफ हमने इसको टर्न कर दिया। तो इस पॉइंट पे यानी कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई ये जो है इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जितने लोगों को काम चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर उतने सभी लोगों को काम मिल रहा है, तो इतना आउटपुट वो जो है जनरेट कर रहे हैं, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की तो ये सिचुएशन है। आगे क्या है, आगे जो सेकेंड एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों को काम मिलना चाहिए उतने लोगों को काम नहीं मिल रहा। अब पहले वाले केस में तो क्या था, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे इक्वल हो रहे थे ना ये, लेकिन अब क्या है, एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई, देखो सप्लाई तो यहाँ तक हो सकती है ना हमारी, लेकिन ये इससे पहले ही इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ गई है। यहाँ पे ऐसे करके ये जो है एग्रीगेट जो सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड पहले इस पॉइंट पे थे फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, अब देखो इतना प्रोडक्शन हो सकता था, इतना प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे ही हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, तो यानी कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है L1, यानी इतना प्रोडक्शन हम और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब इतना प्रोडक्शन फिलहाल के लिए हो रहा है, इतने लोगों को अगर हम और काम पे लगा देते हैं तो हमारा इतना प्रोडक्शन और हो सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ये है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों को काम मिलना था
उतने लोगों को काम मिल चुका है, हाँ वो जितने लोगों को काम मिलना था। और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का वैसे बेसिकली मतलब क्या है, अब इतने ही लोग सप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इतनी लोग सप्लाई, ये इस पॉइंट तक ही सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। इसके आगे क्या है, ये सीधी लाइन का मतलब क्या है, आगे सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यहाँ तक सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि यहाँ तक तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब आगे तो जितने लोग जो है एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं वो तो क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा हो रही है। अब देखो अगर ये यहाँ पर जो है अगर इतनी डिमांड करते हैं तो ये पी प्राइस पे इनको ये सामान जो है मिल जाएगा। अब आगे क्या है, आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट तो इनको इतना ही मिलेगा, या फिर हम इसको क्यों से डिनोट कर सकते हैं, आउटपुट तो लोगों को इतना ही मिलेगा चाहे आगे कितनी मर्जी डिमांड को बढ़ा ले। अब अगर ये एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ाते हैं तो सिर्फ प्राइस चेंज होगा, जो हमारा आउटपुट है ना यहाँ पे, अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर यहाँ पे इक्वल भी हो रहे हैं तो ये जो है हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे सिर्फ प्राइजेस ही बढ़ेंगे, हमारी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना था उतना लोगों को मिल चुका, जितना उन्होंने प्रोडक्शन करना था उतना उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सीधा यहाँ पे लाइन क्यों है, यहाँ तक ही सप्लाई बढ़ सकती है, उसके आगे सप्लाई जो है वो बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का छोटा सा टॉपिक है, यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।